दूसरा सूत्र ये है कि हम जब पानी पिए, डेढ़ घंटे बाद पीना, ये याद रखना, डेढ़ तास बाद पीना, लेकिन पानी कैसे पीना है ये बहुत महत्व की बात है। पानी कैसे पीना है ये बहुत ही महत्व की बात है। आप अभी सामान्य रूप से पानी कैसे पीते हैं, एक गिलास पानी भरा, मुंह में लगाया, गज 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 उतार लिया, गिलास तभी वापस आता है जब पानी खत्म हो जाए, यही तरीका है ना सामान्य रूप से। कुछ लोग मुंह लगा के पीते हैं, कुछ ऐसे खोल के ऊपर से गिराते हैं, लेकिन पानी लगातार गटकते जाते हैं, ये तरीका सबसे गलत है। अगर आप गटगट 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 लगातार पानी पी रहे हैं तो आपके शरीर में तीन रोग तो जरूर आने वाले हैं, अपेंडिसाइटिस, यहां पेट का दर्द, हर्निया, हर्निया आप सब समझते हैं, आंतों का उतरना, ये बहुत परेशान होते हैं बहुत सारे लोग के हर्निया है, हर्निया हर्निया, ये हर्निया सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को आता है जो पूरा गटक के एक साथ पानी पी जाते हैं। और तीसरा, थोड़ी उम्र के बाद एक बीमारी आती है हाइड्रोसिल, विशेष रूप से ये पुरुषों में आती है, हर्निया तो माताओं में भी आ जाता है, हाइड्रोसिल पुरुषों की बीमारी है खास रूप से। तो हर्निया, हाइड्रोसिल और अपेंडिसाइटिस, ये तीन रोग तो कंपलसरी गारंटी से आते ही हैं उन लोगों को जो एक साथ पूरा लोटा या गिलास पानी गटकते हैं। मैंने एक साथ पानी गटकना अच्छा नहीं है। तो आप बोलेंगे फिर पानी कैसे पीना है, पानी पीने का नियम है आयुर्वेद में उस तरह से पानी पीना है जैसे आप चाय पीते, जैसे आप कॉफी पीते और जैसे आप गर्म दूध पीते। चाय कैसे पीते हैं, सिप करके, एक सिप लिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा सिप लिया, फिर थोड़ी देर बाद तीसरा सिप लिया, इस तरह से सिप सिप करके चाय पीते हैं। ऐसे ही आप कॉफी पीते हैं और ऐसे ही आप गर्म दूध पीते हैं। तो जैसे गर्म दूध पीते हैं, जैसे चाय पीते हैं, जैसे कॉफी पीते हैं, पानी ऐसे ही पीना है। एक सिप पानी का पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद एक सिप पीजिए। आप कहेंगे क्या पानी पीने में बहुत समय जाएगा, जाने दीजिए, इस समय को मत बचाइए, नहीं तो यही बचाया हुआ समय हॉस्पिटल में जाएगा।